नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज शुक्रवार को जन्मे हुए जातकों के बारे में आपको बताएंगे, क्या स्वभाव होता है, कौन से गुण होते हैं, कौन से अवगुण होते हैं, सावधानियां क्या रखें, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय जिसको करने से शुक्रवार को जन्मे जातकों को जीवन में सफलताएँ प्राप्त होती हैं, ऐसा एक उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो को लाभ प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं शुक्रवार को जन्मे हुए जातकों के बारे में। साथियों, शुक्रवार को जिसका भी जन्म होता है मृदुभाषी होता है, आवाज में जादू होता है, बहुत मीठा बोलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति शब्दों का भी इस्तेमाल इतने अच्छे ढंग से करते हैं कि अगर किसी से झगड़ा भी कर रहे हो तो भी ये लगेगा कि बहुत अच्छा बोल रहा है, मतलब बहुत मीठा बोलने वाला व्यक्ति शुक्रवार को जन्मा हुआ जाता है। शुक्रवार को जिनका जन्म होता है औषधि प्रिय होते हैं, मतलब इनको औषधि का ज्ञान तो होता है, साथ ही साथ औसत सेवन का बड़ा शौक होता है। अगर जरा से भी थोड़ी हो जाए, फुंसी हो जाए, या थोड़ी सी भी बीमारी महसूस होती है, यहाँ तक कि कमजोरी महसूस होती है, तो भी जो है दवाइयों का सेवन शुरू कर देते हैं। इतने अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने वाले होते हैं शुक्रवार को जन्मे हुए जाता है। जैसा बोला, ऐश आराम की लाइफ जीना पसंद करते हैं शुक्रवार को जन्मे हुए जातक। परिश्रम शुक्रवार के को जिनका जन्म होता है उनसे ज़्यादा परिश्रम या बहुत कष्ट सहन नहीं होता। ऐसे जातक देवी की कृपा से निश्चित रूप से जीवन में बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि जो शुक्रवार को जन्मा हुआ जातक है वो ऐश आराम की ही जिंदगी में पूरा जीवन अपना व्यतीत करता है। साथ ही साथ बहुत अच्छा ज्ञानी होता है, शास्त्री होता है, और यहाँ तक कि देखा गया है शुक्रवार को जन्मा हुआ जातक, जिस भी व्यक्ति का जन्म शुक्रवार को होता है वो व्यक्ति अभिनय, कला, नाट्य, नृत्य, इन विधाओं में भी बहुत माहिर होता है, गायक बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ बहुत अच्छा ज्योतिष होता है शुक्रवार को जन्मा हुआ जाता है। ज्योतिष कला में निपुण होते हैं शुक्रवार को जन्म हुआ जाता है। शुक्रवार को जिनका जन्म हुआ है, चार कैरेट का अमेरिकन डायमंड, क्योंकि ओरिजिनल डायमंड बहुत महंगा पड़ता है, या जर्कन, वाइट जर्कन, अनामिका उंगली में धारण करें। अनामिका उंगली में धारण करने से, वैसे सही पूछो तो डायमंड जो है या जर्किन है वो अंगूठे में धारण करना चाहिए, लेकिन चूंकि अंगूठे में लोग बहुत कम लोग धारण करते हैं, शुक्र का क्षेत्र ये है, इसलिए डायमंड हमेशा इधर धारण करना चाहिए अंगूठे में। लेकिन चूंकि अंगूठे में लोग धारण नहीं करते, तो ऐसे में अनामिका में धारण कर सकते हैं, और संभव हो सके तो निश्चित रूप से जर्कन या डायमंड अंगूठे में धारण करें, उससे और अधिक लाभ होने की संभावना नहीं, निश्चित लाभ होती है। और छह मुखी रुद्राक्ष, अगर पुरुष है तो छह मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें शुक्रवार को जन्मा हुआ जातक। महालक्ष्मी या कोई भी देवी जिसके ऊपर उसकी आस्था है उसका पूजन करता है तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत सफल होता है, उन्नति करता है, प्रगति करता है। वीडियो पसंद आई हो शेयर करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता, लेकिन वीडियो का नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अगली मेरी आएगी वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करें, और साथ में
बेल आइकन के घंटी के बटन को भी दबाएं। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। अगली वीडियो में फिर आपसे बात होगी, मुलाकात होगी, चर्चा होगी ज्योतिष के नए विषय को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।